नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 28 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। ठीक है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज आगे कैसे चल रही है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे ये सीरीज है, चार है, छह है, दस है, सोलह है, छब्बीस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार लेकिन पूछा जा चुका है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये दो तरीके से सॉल्व होती है, लेकिन सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों। देखिए, चार के बाद क्या है दोस्तों, छह, छह के बाद क्या है दोस्तों, दस, दस के बाद क्या है, सोलह, सोलह के बाद क्या है, छब्बीस। अब देखिए, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा अगर जो आप दिमाग लगाएंगे तो यहां दिखेगा चार और छह, चार और छह को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, छह और दस, छह और दस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सोलह हो जाएगा। सोलह देखिए यहां पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्या करना है, दस और सोलह को जोड़ना है, दस और सोलह दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर छब्बीस हो जाएगा। ठीक है, दस और सोलह जोड़ेंगे तो क्या होगा, छब्बीस हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगला संख्या कैसे लाएंगे, सोलह और छब्बीस को जोड़ देंगे, सोलह और छब्बीस दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, बयालीस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बयालीस हो जाएगा। और बयालीस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसके लिए यही सिंपल मेथड होता है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर है, टेस्ट के तौर पर है, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कब होगा, लास्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, यहां कैसे सॉल्व किया गया है, एक समीकरण दिया गया है, यहां पे 5*2*8*4=332, और उसके बाद दूसरा समीकरण है 7*2*9*5=545 ये दिया है। ठीक है, और फिर पूछ रहे तो 8*5*4*3=, क्या होगा इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं समझा रहा हूं। देखिए पहले तो आप देखेंगे दोस्तों, ये पहला जो समीकरण है इसके बराबर 332 कैसे आया है, और ये दूसरा समीकरण है इसके बराबर दोस्तों कैसे, ये 545 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका समीकरण पूछ रहा है इसका हम आंसर देंगे। तो देखिए इसमें आपको ज्यादा गुणागणित नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, ये जो संख्याएं दी गई है 5 है 2 है 8 है 4 है, यानी 5 2 8 4, इसको हम क्या करें कि ये 332 हो जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो 5 है और 2 है, तो 5 में से 2 को क्या करना है, माइनस करना है। 5 को पहले क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहां पे ये 3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये 8 है और 4 है। ठीक है, 8 और 4 को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, 8 4 क्या होगा, 8 4 आपका हो जाएगा 3 2, यानी कि 32। 8 4 8 × 4 करेंगे क्या होगा, 32 होगा ना। अब क्या लिख लेंगे, 32, यानी कि 8 6 32। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, ये 332 है, और यहां पे भी आपका क्या मिल रहा है, 332। देखिए दूसरा समीकरण देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 9 × 5 क्या होगा, 9 5 45 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 545 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा दोस्तों, 545, और 545 देखिए यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, जो तीसरे समीकरण है उसका भी हम आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, उसका आंसर देंगे। देखिए क्या है ये, देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, 4 × 3 कर लेना है, 4 × 3 दोस्तों क्या होगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे 312 हो जाएगा। और 312 किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ
गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। कौन कौन सा शब्द दिया गया दोस्तों? ट्रिलियन है, हजार है, बिलियन है, सौ है, मिलियन है, ठीक है। इनको सार्थक क्रम में दर्शाना है, कहने का मतलब है छोटे से बड़े की ओर ले जाना है, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है। देखिए बढ़ते हुए क्रम के कहने का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे, क्या है ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। सबसे छोटा कौन है? 1 है, उसके बाद क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद क्या है? 4 है, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए दोस्तों, इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा होगा 100। 100 कितने नंबर पे है? तो 4 नंबर पे। तो इसका बस सीरियल आपको नंबर लिखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इसका क्रमांक लिखना है, 4 नंबर पे 100। इसके बाद इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा हो जाएगा 1000। इसका नंबर क्रमांक क्या है दोस्तों? इसका क्रमांक है 2। अब 1000 से बड़ा कौन होगा? 1000 से बड़ा होता है मिलियन, ठीक है। जो ऑप्शन में दिया उसी में आपको देखना है, ठीक है। 1000 से बड़ा क्या होगा? मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 नंबर हो जाएगा। मिलियन के बाद क्या होता है दोस्तों? मिलियन के बाद होता है बिलियन, ठीक है। तो बिलियन कितना नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 हो जाएगा। बिलियन के बाद जो बच गया ट्रिलियन, ये बिलियन से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर है? ये 1 नंबर है, तो 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 4, 2, 5, 3, 1 4, 2, 5, 3, 1 किस ऑप्शन में? तो देखेंगे दोस्तों 4, 2, 5, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप है। और एक चीज और दोस्तों, डेली में 8 PM पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप डेली देखा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से छूटी हुई संख्या ज्ञात करें, यानी छूटी हुई संख्या का मतलब क्या है? लूप संख्या, मिसिंग नंबर कह लीजिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे? छोटी संख्या को देखेंगे। देखिए छोटी संख्या इसमें कौन है दोस्तों? 7 है। 7 के बाद दोस्तों क्या है? 8 है, ठीक है। 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या है? 9। उसके बाद देखिए 9 के बाद क्या हो गया दोस्तों? 56 हो गया। उसके बाद 72, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे सोचे, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 56, 56 के बाद, ऐसे आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, यानी कोई क्लू नहीं मिलेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जब ऐसे ना मिले दोस्तों, यानी कि क्रमागत संख्या ना हो, क्रम से ये ना चल रही हो संख्या, कुछ कुछ का गैप ना हो, ज्यादा ज्यादा का गैप हो, कभी कम का गैप हो, तब क्या करेंगे दोस्तों? आमने सामने देखेंगे। देखेंगे 7 के सामने क्या है दोस्तों? 7 के सामने देखिए 56 यानी 56 है। तो 7 को 56 हम कैसे कर सकते हैं? अगर जो मैं बोलूं 7 में 1 अधिक कर लीजिए, गुने 8 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 बटे 56। ये 8 है ना दोस्तों, इसके सामने क्या है दोस्तों? 72 है। तो इसको क्या करिए? गुने 9, 8 9 क्या हो जाएगा? 72 होगा कि नहीं? देखिए 72 इसके सामने दिया हुआ है। अब 9 के क्या होगा दोस्तों? ये 9 है ना, इसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पे दोस्तों क्या होगा? 9 गुने 1 ज्यादा कर लेंगे 10, 9 10 गुने 10 हो जाएगा, यानी कि 9 दहा में 90। यहां पे दोस्तों क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे 90 होगा। अब 90 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज और बता दूं, इसको एक सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, ये चीज हो सकता है। 9 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये भी ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 हो जाएगा, और 81 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? 90 होगा। ये भी तरीका है। कहने का मतलब है, एक ज्यादा से गुणा कर लीजिए या स्क्वायर करके वो संख्या जोड़ लीजिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों को काफी डिमांड थी कि हम करंट अफेयर की भी वीडियो डेली प्रोवाइड करें, तो आपको बता दूं दोस्तों हम अपने साथ करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं और करंट अफेयर डेली मॉर्निंग में दोस्तों प्रोवाइड करते हैं 5 PM पे, यानी कि सुबह 5 बजे वीडियो देते हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको कराते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी देते हैं। साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो PDF लेने के लिए दोस्तों आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके सीसी मेकर सर्च करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली सारे वीडियोस की PDF भी मिलने लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहीं पे पूछ रहे हैं कौन संख्या आएगी। सिंपल सी भाषा में समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों, जो 16 का संबंध 22 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 36 का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से एक संख्या है, उसको आपको पहचान करना है। तो कैसे पहचान करेंगे, कैसे बताएंगे, देखिए 16 का संबंध क्या है 22 से। अब आपको देखना है 16 का संबंध 22 से कैसे, 16 में कितना जुड़ा है दोस्तों, 16 में 6 जुड़ा है ना, प्लस 6 हुआ है तो 22 हो गया ना। 36 में भी आप प्लस 6 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 42 होगा, ठीक है। लेकिन 42 देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, इस मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अलग मेथड क्या होगा दोस्तों, ये 16 क्या है, अब देखिए मैं समझा रहा हूं। 16 दोस्तों क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर में 4 जोड़िए, ठीक है। फिर देखिए 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 होगा, 4 से 16 4 20। फिर क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर 2 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, इसमें ये 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों, समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये 6 का स्क्वायर है, फिर इसमें दोस्तों क्या जोड़िए, 6 जोड़िए और फिर क्या करिए, प्लस 2, ये चीज आपको जोड़ना है, ठीक है। प्लस 2 यानी जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर करिए, फिर वो संख्या जोड़िए, फिर प्लस 2 करिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 36, और 36 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44, यानी 44। अब देखिए 44 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आपका ये प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आज का प्रश्न है, और इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, और जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 27 देख लेंगे। 27 का दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है, और 27 नंबर पार्ट में इसको फुल डिटेल में समझाया हूं कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, और पार्ट नंबर 27 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक दोस्तों यहां पे आई बटन पे दे दिया हूं, यहां पे आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप पार्ट नंबर 27 डायरेक्ट देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों। इस ईबुक मूल प्रश्नों को शामिल किया गया, जो प्रश्न आपके बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, तो दोस्तों इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है, तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। और जो नए दोस्त होंगे वो क्या करेंगे, नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएगा, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगा। जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।